कांग्रेस सेवा दल मुख्य संगठन अनुराग शर्मा ने बताया कि क्रांति दिवस पर 9 अगस्त को यात्रा निकाली जाती है। पिछली बार मंडी में ये यात्रा निकाली गई थी, इस बार धर्मशाला में ये यात्रा निकाली जाएगी, जो कि दाड़ी ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में शहीद स्मारक धर्मशाला तक निकाली गई। कांग्रेस सेवा दल मुख्य संगठन अनुराग शर्मा ने बताया कि क्रांति दिवस पर 9 अगस्त को यात्रा निकाली जाती है। 77वीं क्रांति दिवस पर पिछली बार मंडी में यात्रा निकाली गई थी, इस बार धर्मशाला में यात्रा निकाली जाएगी, जो कि दाड़ी ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से शहीद स्मारक धर्मशाला तक निकाली गई। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य देश में सांप्रदायिक ताकतों का कब्जा हुआ है, उन्हें हटाना है। पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस सेवा दल विलुप्त होता जा रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी के निर्देशों पर कांग्रेस सेवा दल को आजादी के समय स्वरूप में वापस लाया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस सेवा दल को पूर्ण स्वतंत्रता दी है। धारा 370 को जिस तरह से हटाया गया है वह अनुचित है। इसे हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी वो भाजपा सरकार द्वारा अपनाई नहीं गई। कांग्रेस नेताओं द्वारा धारा 370 को हटाने पर अनुराग शर्मा ने कहा कि जिन कांग्रेस नेताओं ने इसका समर्थन किया है वो उनकी निजी राय हो सकती है। देश में ऐसी ताकतें हैं जो बल के दम पर देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर वर्ष की भांति क्रांति दिवस पर 9 अगस्त को हम लोग क्रांति दिवस मनाते हैं। इस वर्ष हम पिछले साल हमने मंडी में तिरंगा यात्रा निकाली थी। आज 77वीं पुण्यतिथि पर क्रांति दिवस की तिथि पर हम लोग धर्मशाला में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि देश में सांप्रदायिक ताकतों का, विघटनकारी ताकतों का जो कब्जा हुआ है उसका हम इस देश की विकास के लिए और हम अपना एक संकल्प लेकर जाने वाले हैं। कांग्रेस सेवा दल जो है पूरे देश के अंदर क्रांति दिवस इसी रूप में मना रहा है कि इन जो ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनको इस देश से हटाना है। कांग्रेस सेवा दल पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सेवा दल जो है विलुप्त होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ है, पर लास्ट के अभी 2 साल में माननीय राहुल गांधी जी ने सेवा दल को पूर्णतः स्वायत्तता दी है और सेवा दल पूर्ण जो है, जो पुराना एक स्वरूप था आजादी के समय, उसी स्वरूप में वापस लौट रहा है। देश में एक बड़ा मुद्दा जो है आजकल जोरों शोरों में है, धारा 370। प्रदेश का कांग्रेस सेवा दल किस तरह देखता है इसको? देखिए, धारा 370 को जो हटाना, जिस तरह से हटाई गई है वो अनुचित है, वो उचित नहीं है। उसको पूर्णतः जो एक हटाने की जो प्रक्रिया थी वो भाजपा ने उस प्रक्रिया का वहन नहीं किया है, इसलिए जो देश में विवाद चल रही है उसको कांग्रेस सेवा दल इस नजरिए से देखता है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि पार्टी का हमें पता नहीं है पर हम समर्थन करते हैं। देखिए, एक अपनी एक निजी राय हो सकती है। हम अभी आपसे मैंने कहा कि जो हटाने की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया ठीक नहीं है। आप सही माने माने तो पिछले कुछ वर्षों में जो देश में हुआ है, आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि देश में एक ऐसी ताकतों का कब्जा है जिन्होंने एक बलशाली रूप में देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि वो देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं। आप और अन्य मुद्दे को उठाकर देखें, आप चाहे खनन माफिया को देखें, आप महंगाई की बात करें, आप जो अभी कानून व्यवस्था की बात करें, आप प्रदेश में आप देखें क्या हो रहा है, सभी जग जाहिर है। थैंक यू।